Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे चैनल स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग जो है अपने उसी क्रम में लगातार एक एक कदम बढ़ा रहे हैं सफलता की ओर। और जो है आपकी अभी अगर न पता हो तो आप लोगों की जो है फिजिक्स की भी सीरीज लगातार चल रही है और फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है वो नोट्स साथ साथ में बनवा रहा हूँ। ठीक, तो अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो ना लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी लगेगी लाइक करेंगे तो फिर शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अगर फिजिक्स की वीडियो ढूंढनी हो तो फिजिक्स वीडियो यहीं पर जब स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहीं आई की तरह बन जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, आपको फिजिक्स की वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है इस प्लेटफॉर्म पे हमारे जो अपना परिवार है, हमारा परिवार, आपका परिवार और अपना परिवार, द स्पीड स्टडी जो चल रहा है, यहाँ पे आपको फिजिक्स, मैथ और साइंस, ये फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, ये तीनों चीज जो है आपको मिल जाएगी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलेगी साइंस में। तो अगर आप जो है जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए। और जहाँ पे चैनल है वहाँ पे अबाउट में जाएंगे आप तो अबाउट में आपको जो है पीडीएफ पेज दिखा मिलेगा, पीडीएफ पेज पर क्लिक करिए और वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहां पे जो है आप अपने जो नोट्स बनाएंगे फिजिक्स के वो आप वहां पे भेजेंगे। चलिए हम अपने मैथ के क्वेश्चन में लगातार आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या कह रहा है देखिए। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, ठीक, 4n - n² है, क्या n पदों का योग दिया गया है इतना, और कह रहा है कि प्रथम पद अर्थात यस वन निकालना है, फिर कह रहा है प्रथम दो पदों का योग अर्थात यस 2, तथा दूसरा पद क्या है यानी कि t2, तथा इसी प्रकार तीसरे कामा दसवें यानी कि s3, s10 और t3, t10 और n वें पद का मान ज्ञात करना। ये इतनी चीजें हमको निकालनी है और दिया क्या है, सिर्फ एक चीज दिया गया है। आप लोग डरिएगा मत, मैथ डरने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथ से लोग क्यों डरते हैं पता है? मैथ से लोग इसलिए डरते हैं कि जैसे अगर बच्चा छोटा है तो उसको कह दे कि भैया वहां पे लूलू है, उधर मत जाना। 4 साल का बच्चा अगर है, समझदार होता है, फिर भी अगर कोई उसको कह दे भैया उधर मत जाना वहां लूलू है, तो नहीं जाएगा वहां। रात में अगर उसको एक नंबर लगेगी, बहुत तेजी से लगेगी, तब भी वो वहां नहीं जाएगा जब तक मम्मी को या पापा को ले नहीं लेगा कि पापा मुझे एक नंबर चलना है, दो नंबर चलना है। तो इसीलिए आदमी डरते हैं। जब आप छोटे थे तभी से आपको कहा सुने होंगे कि मैथ कठिन है। कुछ नहीं कठिन, मैथ तो कुछ कठिन है ये नहीं है। मैथ में आप हमारे साथ बने रहिए, आपको मैथ जो है एकदम आसान लगने लगेगी। तो ये हमको दिया गया है यस n बराबर इतना, ये सब निकालना। तो देखिए, जो कि हम जानते हैं, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, यस n बराबर 4n - n² दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम यस 1 निकालें, ये यस n है क्या? यस n का मतलब क्या है जानते हैं आप? यस n का मतलब है कि n पदों का योग, मतलब n पदों का योग मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट लिखा रहे और इसको जोड़ने के लिए कह दिया जाए तो वही n पदों का योग यस n कहलाए। अगर अभी हम यस 1 कहें तो यस 1 मतलब एक पद का योग, और एक पद का योग वही पहला पद होता है एक। अभी मैं कहूं यस 2 यानी कि दो पदों का योग, तो दो पदों का योग में क्या आएगा यानी t1 + t2 यानी पहला पद और दूसरा पद यानी कि 1 + 2 = 3।
तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम कि यस वन जो निकालेंगे वही यस वन हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा या ए हो जाएगा। तो चलिए यस वन जब निकालेंगे तो देखिए यहां पे यन था, यन की जहां पे आपने एक लिख दिया, तो जब यन की जहां पे एक लिखेंगे तो यहां भी हो जाएगा फोर इंटू वन और माइनस वन का स्क्वायर यानी कि चार, एक अन्य चार माइनस एक यानी कि तीन। यस वन बराबर तीन मिल गया और यस वन को ही टी वन या ए कहते हैं, ये भी हमको कितना मिल गया तीन। एक मान तो हम निकाल लिए, कौन सा एक मान हम निकाल लिए, यस वन बराबर तीन, एक मान हमको मिल गया कि यस वन बराबर तीन मान है। चलिए यस टू निकालिए, तो यस टू के लिए एकदम सेम टू सेम इसी तरह जहां पे यन था वहां आपकी क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। तो जब यन की जहां पे दो लिखेंगे तो चार इंटू दो माइनस दो का स्क्वायर, तो चार दूनी आठ माइनस दो दूना चार यानी कि चार। जो यस टू है यानी कि दो पदों का योग जो है वो हमको कितना मिल गया, चार मिल गया। हमने क्या बताया था यस टू का मतलब, क्या बताया था, अगर हम यस टू यानी कि टी वन और टी टू को जोड़ेंगे तो हमको यस टू मिल जाएगा। उसी तरह अगर हम दूसरा पद निकालें अर्थात टी टू निकालें, टी टू अगर निकालें तो यस टू में से यस वन अगर हम घटा देंगे, मतलब कि दो पदों का योग कितना है देखिए तीन और माइनस पहले पद का योग कितना है एक, और तीन में से एक घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा दो, अर्थात ये दो क्या है हमारा, ये हमारा दूसरा पद। तो दूसरा पद अगर निकालना है तो टी टू माइनस यस वन, एक फार्मूला होता है कि टी एन बराबर यस एन और माइनस यस एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है कि यनवा पद जो होता है वो यन पदों के योगफल में से यन माइनस एक पदों का योगफल अगर घटा देंगे तो हमको यनवा पद मिल जाएगा। वो किस तरह मिलता है, इसी तरह भाई देखिए हमने दो पद का निकाला तो यस दो पदों का योग तीन था और एक पद का योग एक था, तो जब दो पद के योग में से एक पद का योग घटा देंगे तो हमको यही दूसरे पद तो मिला देखिए ना। तो वही चीज ये किए बराबर है बराबर यस टू, यस टू कितना दिया गया है चार और माइनस यस वन, यस वन कितना दिया गया है तीन, तो चार माइनस तीन यानी कि एक मिल गया। ठीक, चार माइनस तीन यानी कि हमको क्या मिल गया दूसरा पद, एक मिल गया। इसी तरह आगे चलेंगे यस थ्री निकालना है, तो जब यस थ्री निकालेंगे तो देखिए अब की यन की जहां पे क्या लिखेंगे, यन की जहां पे तीन लिख देंगे, तो यहां पे चार इंटू तीन माइनस तीन की घात दो, तो चार तीन बारह माइनस तीन त्रिका नौ, और बारह में से अगर आप नौ घटा देंगे तो नौ तीन बारह तीन आ जाएगा, यानी तीसरा पद हमको क्या मिल गया तीन मिल गया, तीसरा पद हमको क्या मिल गया तीन मिल गया। तो तीसरे पदों का योगफल यानी कि यस थ्री हमको क्या मिला तीन मिला। तो जब तीसरा पद निकालेंगे अर्थात टी थ्री जब निकालेंगे तो तीसरा पद हमारा हो जाएगा यस थ्री और माइनस यस टू यानी कि तीन माइनस दो, यानी कि जब यहां तीन रखेंगे तो तीन और उसके बाद यहां क्या हो जाएगा तीन माइनस एक यानी कि दो। तो चलिए इसको रखिए, तो जब यस थ्री का मान निकाले हैं आप थ्री और माइनस यस टू का मान क्या निकाले हैं देखिए चार, यानी कि थ्री माइनस फोर यानी कि क्या आ गया माइनस एक आ गया, यानी कि तीसरा पद आपका क्या है माइनस एक। कहीं समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा बताएंगे। आगे देखिए इसी के बाद हमको क्या निकालना है, यस टेन निकालना है, दसवां पद निकालना है। तो यस टेन का मतलब क्या हुआ, ठीक क्या क्या निकालना है क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। तीसरे पद दसवें पद और प्रथम दो पदों का योग, ठीक है तीसरा पद दसवां पद, हाँ नवां पद नहीं निकालना, तीसरा पद और दसवां पद निकालना है। तो जब आप दसवां पद निकालेंगे तो दसवें पद के लिए आप क्या निकालेंगे बताइए, दसवां पद अगर निकालना है आपको यानी कि टी टेन निकालना है तो दसवें पद के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई, अगर नवां पद मिल जाए हमको, नवां पद मिल जाए और दसवें पद का योग मिल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे दसवां पद निकाल लेंगे। ठीक, वही कह रहा है आपको दसवें तथा यनवे पद ज्ञात कीजिए, तो दसवें और यनवे पद को ज्ञात करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं
कि हमको प्रथम पद जो मिला है, पहला पद कहां लिखे हैं, पहला पद हमको मिला 3, ठीक। उसके बाद हमको डी का मान कितना मिला, दूसरे पद में से अगर हम पहला पद घटा दें यानी कि 1-3, तो ये हमको डी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, ठीक। और तब हमको क्या निकालना है, हमको यस 10 निकालना है, यस 10 यानी कि दसवां पद निकालना है। तो 10 पदों का योगफल, तो 10 पदों का योगफल जब आप करेंगे तो 10/2 और इंटू 2a + n-1 इंटू b, यही फॉर्मूला होता है आपका। तो 2×5=10 और 2 × a का मान है 3 और प्लस यन, यन का मान 10-1 और इंटू डी, डी का मान आप क्या निकाले हैं, डी का मान निकाले हैं -2। तो ये क्या हो जाएगा, 5, 2 × 6 + 10 में से 1 गए कितना बचेगा, 9 और 9×18 तो -18, 12×6=18 और 12×5=60 यानी कि जो दसवें पदों का योगफल यस 10 जो हमको मिल गया, यस 10 कितना मिल गया, -60 मिल गया, यस 10 हमको मिल गया -60। तो यस 10 -60 मिल गया, तो दसवां पद हम निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, देखिए दसवां पद, चलिए इसको मिटा देते हैं इधर का, दसवां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, t10 बराबर 1+10-1 × b, a का मान है 3 और +10-1 = 9 इंटू डी, डी का मान है -2 यानी कि 3×9=18। तो 3 में से 18 घटाएंगे, 3-18 तो ये क्या हो जाएगा, -15, यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो ये चीज है हमने निकाल दिया, और क्या निकालना है, और निकालना है tn, और tn ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, tn का tn बराबर sn-sn-1। तो sn क्या है, देखिए ये लिखा है 4n-n2, ये हमारा sn है, और माइनस sn-1, तो अर्थात sn-1 जब करेंगे तो जहां n है वहां n-1 रख देंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, 4n-1 - n-1 का होल स्क्वायर, या फिर 4n-4 करना 4-, ब्रेकर के अंदर पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग -2×1 × 2, तो 4n-4 और -n² - 1+2n, जब इसको हल करेंगे तो 4×2=6n-5-n². तो sn-1 का मान पा गए हैं इतना, तो यही मान उठा के यहां पे रख देंगे, तो चूंकि माइनस है इसलिए इसको ब्रेकेट के अंदर लिखेंगे क्या, 6n-5-n², या फिर 4n-n² - 6n+5+n². तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 5 और -4 = 6 यानी कि 5 - 2n, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा nवां पद। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, अगर कहीं समस्या हो तो आप लोग बताइए, ठीक, अगर कहीं समस्या हो तो आप लोग बताइएगा। आगे देखते हैं, लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, मतलब कि कहां तक, प्रथम 40 तक, तो प्रथम 40 तक और वो भी 6 से विभाज्य हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 6 से विभाज्य मतलब 6×6=12, 6×3=18, 6×4=24, 6×5=30, तो ये जो 6 का पहाड़ा मिलेगा ना, यही आपका जो वह संख्या हो जाएगी जो 6 से विभाज्य होगी। तो चूंकि क्या कह रहा है, 40 पदों तक, कितने पदों तक, 40 पदों तक, ये हो जाएगा क्या, डॉट डॉट 40 पदों। अब देखिए आगे कि चूंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, इसका सबका योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो
देखिए ए बराबर 6 है, डी बराबर निकालेंगे तो 12 माइनस 6 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, और यन बराबर कितना दिए हैं आपको 40 दिए हैं, तो यस 40 निकालना है, यस 40 बराबर हो जाएगा 40 अपॉन 2 और ब्रेकेट में 2a और प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। देख रहे हैं सारा मान हमको दिया गया है, सारा मान दिया गया है और यही मान इसमें रखेंगे, मान रख देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप हल करके कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं जो जैसा कि पिछले वीडियो में जो बच्चे देखे थे उनका मैं नाम ले लूं तो जतिन, जानसी, अनुज, अजय, दीपक, शिवेंद्र, ये सारे बच्चे जो है जो हमारा वीडियो लगातार देखते हैं, और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट किया करें, बताया करें कि वीडियो कैसा है। ठीक, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, इसी तरह 15 गुणज मतलब 15 पदों तक एकदम सेम टू सेम वही 12 नंबर की तरह है। इसमें भी a बराबर 8 हो जाएगा, d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, और n बराबर 15 हो जाएगा। ठीक, तो इतना चीज है, सब कुछ दिए, हमको निकालना क्या है, यस 15 निकालना है। तो यस 15 निकालेंगे कैसे, 15 बटे 2, 2a और प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले में मान रखेंगे और मान रख के हल कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, जो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 12 और 13 आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है उसी का हमको योग निकालना है। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन सी मिलेगी बताइए भाई। 0 और 50 के बीच में पहली 3 मिलेगी, फिर 3 मिलेगी, 5 मिलेगी, 7 मिलेगी, तो हम देख क्या रहे हैं, 2-2 का अंतर पड़ रहा है। इसी तरह डॉट डॉट आखिरी जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी बताइए, विषम संख्या, आखिरी विषम संख्या क्या मिलेगी, आखिरी विषम संख्या मिलेगी 49। आखिरी विषम संख्या क्या मिलेगी 49, तो हमको यही निकालना है, क्या यन पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कितने यन पद हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें कितने यन पद हैं। तो यन पद निकालने के लिए चूंकि देखिए हमको ये जो 49 दिया गया है ये ए एन दिया गया है, ए एन बराबर 49, ए बराबर दिया गया है 3 और डी बराबर 5 माइनस 3 यानी कि 2 दिया गया है। तो सबसे पहले ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी से यन का मान निकालेंगे, किसका, यन का मान। तो ए एन कितना है बताइए, 49 बराबर ए यानी कि 3 और प्लस यन निकालना है और इंटू डी, डी का मान कितना है 2, तो 49 माइनस 3 बराबर यन माइनस 1 इंटू 2, तो 49 में से 3 घटाएंगे तो 46 बराबर यन माइनस 1 इंटू 2, तो या फिर यन माइनस 1 बराबर 2 जब इधर आएगा तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, या फिर यन बराबर ये एक उधर जाएगा तो 24, यन का मान 24 मिल गया, ए का मान 3 मिल गया, डी का मान 2 मिल गया, हमको यस यन निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं यस यन बराबर यन बटे 2 टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये ठीक, तो ये चीज है, इसमें जब हम यन का मान रख देंगे तो हमको आगे बार मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो आपका आगे क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये जो क्वेश्चन है ये चारों क्वेश्चन
बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये चारों क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। आपका परिवार है, आपका ये जो परिवार का स्पीड स्टडी है, आप इसको इतना शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिवार से जुड़ सके और इस परिवार का सदस्य बन सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।